अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए हैं। मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि टाइम कौन सा हो रहा था। सुबह के 5:15 बजे थे, वॉशरूम से मैं होके आ चुकी थी और मैं अब जो है चाय बनाने लगी थी अपने लिए। सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ हमारे लिए सुबह सवेर जो होती है वो होती है जी चाय। तो चाय मैंने जल्दी से बना ली। एक हाथ से काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ये चाय के लिए मैंने पानी डाला इसमें। अब मैं जाके इसे चूल्हे पे चढ़ा के मज़े से अब चाय बनाऊंगी। ये जी इलायची, इलायची वाली चाय। अगर कूट के आप इलायची डालेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता होता है। और वो जल्दी जल्दी से बस चाय बन रही थी, नाश्ता तैयार करके। मैंने सोचा कि आप लोगों को आज अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखा दूँ कि सुबह से मैं कितने बजे उठती हूँ और किस तरह से जाती हूँ स्कूल अपने। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये सब चीज़ें भी पसंद आएँ। तो ये मैं अंडा अपने लिए बना रही थी। अंडा अंडे के ऊपर मैंने डाली है लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक दोनों डाल के मैंने साथ ही ब्रेड के इसको गर्म करके ये मैंने अपना एक छोटा सा नाश्ता बना लिया है। वीडियो के देखने के साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और जैसे पहले आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। चाय भी साथ साथ तैयार हो रही थी मेरी, और क्योंकि मैंने चाय पीने से पहले ही अपना ड्रेस चेंज करना था और फिर आके तैयार होकर मैंने करना था। ये मेरे जी कपड़े रात को मैंने पहले से तैयार करके रख दिए थे और ये मेरा नाश्ता रेडी था मेरे करने के लिए। अब ये 6:02 पे मैं यहाँ से निकल रही थी और यहाँ से 20 मिनट से ये देखिए जी कितने प्यारे बादल आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि आज बारिश होने वाली है। कोई सीन था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये यहाँ पर मेरी आ गई है वैन जिसमें बैठ के मैं अब मरी की तरफ रवाना हो जाऊँगी। और ये देखें जी, ये साथ ही कितना मज़े का मौसम हो रहा है। मुझे जैसे मैंने आपको पहले ही सुबह ही बता दिया था कि मुझे बादलों को देख के अंदाज़ा हो रहा था कि बादल आएंगे। तो आगे देखें जी, जी के गली में कितने मज़े की मौसम था, कितने मज़े का, बहुत ही मज़े का मौसम था। बीच में मेरी पठानों वाली उर्दू भी आ जाती है बीच में ज़रा, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिए। और ये अब हम स्कूल पहुँचने ही वाले थे और बहुत मज़े का मौसम था भाई। आप लोगों ने रास्ते में भी देखा था। और अब ये देखें जी, स्कूल में बारिश, इतनी बारिश है, इतनी ज़्यादा, और बच्चे आए हैं सिर्फ 4-5, लेकिन हमें पूरा दिन स्कूल में गुजारना है। और ये देखें, इतनी ठंड हो गई है कि मैं तो इस वक्त जी केप शॉल लेके बैठी हुई और मेरी ठंड इसमें भी नहीं रुक रही है। मुझे तो दिल कह रहा है कि मेरी बफर जैकेट होती यहाँ पर और मैं अपनी बफर जैकेट जो है ना वो ले कर पहन के बैठी होती। देखें बादल, वाह। अच्छा, थोड़ी देर पहले ये बादल बिल्कुल यहाँ सारे आए हुए थे, बिल्कुल ये नीचे बिल्कुल रोड नज़र नहीं आती वाली रोड भी, इतने ज़्यादा बादल आए हुए थे। अब जो है बारिश है, चूँकि उस वक्त बारिश थोड़ी कम थी तो अब बारिश है, इस वजह से बादल साइड पे हो रहे हैं। और अगर मैं स्टिल रखूँ तो शायद आपको नज़र आए कि बादल किस तरह से उड़े हैं। मेरे पास इस वक्त स्टैंड नहीं है, अदरवाइज़ हम लोग छोटा सा हम टाइम लैप्स बना लेते तो, लेकिन अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है जिसकी वजह से टाइम लैप्स बन नहीं सकता। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अब हम जा रहे हैं। बहुत ठंड है, दिसंबर बन गया जो है जून भी। इसलिए हमारे जूते इतने गंदे होते हैं, हमने ऐसे ऐसे नदी नालों को पार करना होता है। और ये देखिए जी, पिंडी में सैलाबी सूरत हाल। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।